एक मिनट रुक। स्टॉप। ये कहकर राहुल गांधी ने जब पहली बार लोकसभा पहुंच रही प्रियंका गांधी को रोका तो एक पल के लिए सब हैरान रह गए कि आखिर भाई ने बहन को क्यों रोक लिया। हालांकि इसका जवाब इस वीडियो को आगे देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि प्रियंका को संसद की सीढ़ियों पर रोककर राहुल ने जो किया उससे सबके चेहरे पर हंसी आ गई। प्रियंका की लोकसभा में एंट्री की ये खुशी देखी आपने? कैसे अपनी बहन प्रियंका के राजनीतिक सफर के आगाज पर राहुल गांधी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एकदम किसी फैन की तरह प्रियंका गांधी के फोटो क्लिक कर रहे हैं, मानो इस पल को हमेशा के लिए अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। बता दें कि रिकॉर्ड बम्पर वोटों से वायनाड उपचुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में सांसद की शपथ ली और इसी के साथ प्रियंका गांधी परिवार की चौथी महिला सदस्य के रूप में संसद का हिस्सा बन गई। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। केरल की पारंपरिक कसावू साड़ी पहनकर लोकसभा में पहुंची प्रियंका गांधी ने अपने शपथ के दिन से ही एक बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी ने भी हाथ में संविधान लेकर सांसद के रूप में शपथ लिया। शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को नमस्ते के साथ एक मुस्कान भी भरी, शायद ये कह रही हो कि अब साथ मिलकर विपक्ष की आवाज को बुलंद करेंगे। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं वायनाड से आप चुन के आएंगे? कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं, हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। बता दें कि प्रियंका गांधी के शपथ के दौरान पूरा गांधी परिवार और वाड्रा परिवार संसद में मौजूद रहा। राहुल के चेहरे की खुशी तो इन तस्वीरों से ही साफ नजर आ रही है। वहीं मां सोनिया गांधी भी प्रियंका के सांसद बनने पर काफी खुश नजर आई। मैम ऑन प्रियंका गांधी टेक ओथ टुडे। यस, वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। बता दें कि शपथ लेने के बाद प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने आज जिस अंदाज में शपथ लिया उससे पूरे कांग्रेस में जबरदस्त खुशी की लहर दिख रही है, जिसमें उनका अंदाज शानदार लगा। केरल की साड़ी में उन्हें देखकर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ गई, जिन्हें भी अक्सर पारंपरिक साड़ियों में देखा जाता था। बहरहाल केरल की साड़ी और हाथ में संविधान, दोनों के जरिए प्रियंका गांधी ने सियासी गलियारों को क्या बड़ा संदेश दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।